स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है सेशन को, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन भर दो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो मर्जी लिखो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो अन्वेशा हाय, कैसे हो आप लोग? हाँ, बिदिशा हाय। ओके, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सबको हाय, सबको गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर दो, अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट तक पहुंचा दो इस सेशन को, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक और चीज मुझे बताना, ऑडियो की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चिराग, वंशिका, ध्रुव, स्वराज, हर्ष, रिशु, सबको हाय। लाइबा हाय, कैसे हो आप? खुशी, गुड मॉर्निंग। राधिका कर दिया है सेशन शेयर, ओके। राहुल, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। तो यार ठीक है, अब हम लोग अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली हिस्ट्री का सेकेंड बुक हमारा चल रहा है एंड हमारे चैप्टर का नाम है पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए हमारी क्लासेस कब कब होती हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम है, तो सारे बच्चे टाइम टेबल को याद रखने की कोशिश करो। बेसिकली दो टाइमिंग्स हैं जिन पर आप लोगों की क्लासेस होती है हिस्ट्री की मेरे साथ। एक तो सुबह 11 बजे, अभी 11 बज रहे हैं तो क्लास चल रही है हमारी, और एक शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आज भी 6 बजे हमारी क्लास होगी जिसमें हम लोग थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट बुक में या फिर और किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो काफी सारे वन शॉट वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये तो टाइम टेबल हो गया अपना। तन्वे, थैंक यू सो मच। रिजवान अली हाय। चलो, तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यार। पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग फार्मर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर को इन डिटेल समझने वाले हैं एंड रूरल एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गांव के एरिया में उस टाइम पर क्या चलता था, क्या सिस्टम रहता था, ये सारी चीजें इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइडिया लग गया तुम्हें, ठीक है, कि आज के क्लास में क्या करना है? तो आगे बढ़ने से पहले अगर सारे बच्चे रेडी हैं सेशन के लिए तो जल्दी जल्दी फायर इमोजी से भर दो कमेंट सेक्शन, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। वाइपर, कहीं ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आ जाए, बोर्ड एग्जाम के, है ना? राजेंद्र, गुड मॉर्निंग। रिहाम, गुड मॉर्निंग। हर्ष हाय। रेखा हाय। वंशिका, आस्था, दीप, लाइबा, सुपर रेडी हो आप? चिराग, वंशिका, चलो ओके। तो यार करते हैं हम लोग अपना सेशन स्टार्ट। ठीक है, मर्सी, पायल, सबको गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हम लोग 16th और 17th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं एंड इस टाइम पीरियड के एग्रेरियन सोसाइटी को समझेंगे। एग्रीकल्चर इस टाइम पर कैसे होता था वो इन डिटेल समझेंगे एंड रूरल सोसाइटी, ठीक है, गांव की सोसाइटी के बारे में इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 16th और 17th सेंचुरी की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पेजेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, जब भी हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आते हैं, हमारे फार्मर्स, है ना? तो हम लोग फार्मर्स से ही शुरुआत करेंगे चैप्टर की। आपको बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स जो थे उस टाइम पर वो अलग अलग काम करते थे, टिलिंग करते थे, सॉइल को मिक्स करते थे, सीड्स लगाते थे, हार्वेस्ट करते थे, सारे फंक्शंस ये लोग परफॉर्म करते थे। ठीक है, ऐसे फार्मर्स भी होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के जमीन पे जाके एज एग्रीकल्चरल लेबर्स काम करते थे। एग्रो बेस्ड गुड्स भी बनाते थे ये, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड सामान भी बनाते थे ये, जैसे कि शुगर एंड ऑयल। पर जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो रूरल इंडिया में फार्मर्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रूरल इंडिया का मतलब सिर्फ फार्मर्स नहीं होता। तो हम रूरल इंडिया को भी इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस टाइम के फार्मर्स के बारे में या उस टाइम के एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में
हम लोगों को इतना कैसे पता है? ठीक है, तो इसका एक आंसर ये है, उस टाइम पे मुगल कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफी सारी चीजों को लिखा और डॉक्यूमेंट करा। तो जब हम इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर कैसे होता था। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आईने अकबरी, ठीक है, जो कि अबुल फैजल ने लिखा था, जो कि हमारे अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐने अकबरी से ही बहुत सारा रेलेवेंस लेते हुए चल रहे हैं, पर ये हमारा इकलौता सोर्स नहीं है। नो डाउट इस डॉक्यूमेंट से हमें काफी सारी चीजें पता लग रही हैं, पर और भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि ऐने अकबरी के साथ एक दिक्कत तो हमारी ये है कि ये ना टॉप व्यू देता है हमें रूरल सोसाइटी का। मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है हिस्ट्री में किंग्स जो होते हैं या जो थोड़े एरिस्टोक्रेट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बहुत हैं हमारे पास, पर जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो लोग ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे, जिसके वजह से उनके बारे में हमें उतनी आसानी से पता नहीं लग पाता। तो इन लोगों ने जो भी लिखा ना, इट इज अ टॉप व्यू। ऐसा नहीं है कि वो फार्मर्स के सोच विचार को बता पा रहे हैं। अकबर के कोर्ट में जो लोग थे वो लोग फार्मर्स को लेकर क्या नजरिया रखते थे वो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। पर और भी कुछ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम इस चैप्टर में चीजों को पढ़ेंगे। हमें काफी सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखने को मिले गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। हमने इसे भी ऐने अकबरी के साथ थोड़ा रिलेट करा। ठीक है, नेक्स्ट, इस टाइम पर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करते थे। तो उनके डॉक्यूमेंटेशन से भी हमें फार्मर्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि सोर्स क्या है हमारा। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है फार्मर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पेजेंट्स एंड देयर लैंड्स, उस टाइम के फार्मर्स एंड उनके जमीन के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम पर ना फार्मर्स के लिए क्या टर्म यूज करा जाता था, रैयत। ठीक है, ठीक है, या फिर रैया भी बोला जाता था या फिर मुजारिन भी बोला जाता था। तो नॉर्मली रैयत बोला जाता था उस टाइम पे फार्मर को। ठीक है, अब उस टाइम पर हम लोग ऊपर ऊपर से फार्मर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक टाइप के फार्मर्स होते हैं जिनको खुद काश्ता कहा जाता है, एंड एक टाइप के फार्मर्स होते हैं जिनको पाही खास्ता कहा जाता है। ठीक है, खुद काश्ता क्या होते हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की जमीन है और वो अपनी जमीन का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो ये रेजिडेंट्स होते हैं विलेज के, ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की जमीन है, जो गांव में ही रहते हैं। ठीक है, और जो खुद अपनी जमीन पर खेती भी कर रहे हैं, इनको खुद खास्ता कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में कौन आ जाते हैं, ऐसे फार्मर्स जो उस विलेज के रेजिडेंट नहीं है एंड उनके पास खुद की जमीन नहीं है, ये हमारे सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब ये जो सेकेंड कैटेगरी है पाही खास्ता, इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने बोला इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो गांव में नहीं रहते, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, है ना। तो कुछ फार्मर्स इस कैटेगरी में ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो उन्हें लगा कि अगर मैं दूसरे गांव में जाके काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो अपनी मर्जी से अपना गांव छोड़कर आ गए और किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं। पर कुछ फार्मर्स इस कैटेगरी में ऐसे होते हैं जो मजबूरी के वजह से ये काम कर रहे होते हैं। मान लो उनके गांव में फ्लड आ गया, या फिर मान लो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उनकी मजबूरी है। तो कुछ लोग कंपल्शन के वजह से, मान लो उनके गांव में फेमिन चल रहा है, भूख के वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो कुछ लोग कंपल्शन के वजह से भी दूसरे गांव में जाकर किसी और के जमीन पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एक एवरेज नॉर्थ इंडियन फार्मर के बारे में बात करें, एवरेज मतलब ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना ही बहुत ज्यादा गरीब है, तो एक एवरेज फार्मर के पास नॉर्थ इंडिया में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते थे। ठीक है, उनके पास बुलक्स होते थे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 प्लो होते होंगे। ठीक है, ये मतलब एवरेज फार्मर की बात है। ठीक है, तो अगर एक बुलक है, 2-3 इक्विपमेंट्स है, तो ये एवरेज फार्मर के पास इतना ही होता है। गुजरात में अगर किसी के पास 6 एकड़ जमीन होती थी तो उनको रिच फार्मर की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। बंगाल में अगर किसी के पास 5 एकड़ तक की जमीन है, ठीक है, तो ये भी अच्छा माना जाता था। एंड अगर किसी के पास 10 एकर्स की जमीन है तो मतलब वो तो बहुत ही एकदम रिच टाइप के फार्मर है। ओके,
तो इस तरीके से इनका लैंड का सिस्टम चलता था। जमीन की बात करते हैं अब, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे चलता था, आज के टाइम पे जैसे हम लोग प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हैं ना, तो वैसे ही डिट्टो ये लोग एग्रीकल्चरल लैंड को भी खरीदते और बेचते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग अपने इरिगेशन को कैसे करते थे ये डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यहां तक क्लियर है तो जरा जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे फायर इमोजीज भेज दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अन्वेषा क्लियर है? विशाल, यार क्या फर्क पड़ता है, मैं पढ़ा रही हूं ना अब भी, जहां पर भी पढ़ाती हूं मैं वहां पे आके पढ़ लिया करो, ठीक है। प्रियांशी, अन्वेषा, शाह, सबको क्लियर है? मानसी क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, फार्मर्स के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम लोग सुनते जाओ, बस इतना ही करना है तुम्हें। खुशी, वंशिका, तनुषी, क्रिस्टल क्लियर है, सभी को क्लियर है? ओके यार, बहुत ही अमेजिंग बच्चे हैं मेरे। यश, कोई बात नहीं, आज तो मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इट्स ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पास काफी ज्यादा जमीन थी, है ना, एंड बहुत ज्यादा जमीन होने का मतलब उस जमीन में पानी भी डालना पड़ेगा, इरिगेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो ये लोग इरिगेशन कैसे करते थे वो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। याद रखना, इस टाइम पर एग्रीकल्चर का मेन मकसद क्या होता है, लोगों को खाना खिलाना। तो ज्यादातर इनके जो क्रॉप्स थे ना, ये फीडर क्रॉप्स थे, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो कि लोग मतलब खा सकते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट, इन टाइप के क्रॉप्स को ये लोग ज्यादा ग्रो करते थे, ओके। नेक्स्ट, ये लोग मॉनसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे कि जब बरसात होगी तब हमारे खेत में पानी आ जाएगा। तो ऐसे जो इलाके थे जहां पे 40 इंचेस से ज्यादा रेनफॉल होता था, वहां पर ये लोग राइस का प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन उनके एरिया में कितनी बारिश हो रही है, वो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते थे। अब देखो, मॉनसून इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो था, पर सिर्फ मॉनसून से इन लोगों का काम नहीं चल पाता, तो ये लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन के ऊपर भी निर्भर थे, ठीक है। तो ये लोग वेल्स यूज करते थे, ठीक है, हमें ये प्रूफ मिला कि ये लोग वेल बनाते थे। काफी सारे एरिया में हमें ये भी पता लगा कि ये लोग कैनाल्स बनाते थे, मतलब नहर या फिर नाला बनाते थे। एंड हमें ये भी प्रूफ मिला कि अगर कोई कैनाल खराब हो जाता था, कोई नहर खराब हो जाती थी, तो वो उस नहर को रिपेयर भी कराते थे, ऐसा शाहजहां ने कराया था पंजाब में। तो ये लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन भी किया करते थे। इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर होता था वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता था, ठीक है। टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो लेबर ज्यादा होते थे खेत में, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते थे, वुडन के इक्विपमेंट्स होते थे, वुडन फ्लो रहता था जिससे ये मिट्टी को मिक्स करते थे। कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक ऐसा वुडन फ्लो यूज करना स्टार्ट कर दिया जिसके टिप पर आयरन लगता था, तो अगर आयरन टिप का कोई फ्लो होता था तो वो और अच्छे से मिक्स कर पाते थे मिट्टी को, पर इतना ज्यादा भी मिक्स नहीं होता था मिट्टी कि मिट्टी का मॉइस्चर उड़ जाए। तो ये इनके लिए बढ़िया था, इस टाइम पर ये लोग वुडन टिप वाले इक्विपमेंट्स को यूज करते थे। बाकी इनके पास कैटल्स तो होते ही थे, तो कैटल्स से भी अलग अलग काम कराते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में सीड्स का ब्रॉडकास्टिंग किया जाता था, ब्रॉडकास्टिंग मतलब सीड्स को ये ऐसे ही हाथों से बिखेर देते थे खेत पे, ठीक है। वीडिंग जैसे प्रोसेसेस को भी ये लोग करते थे, वीडिंग मतलब अगर कोई फालतू का क्रॉप लग गया खेत में तो उसे हाथ से निकाल देते थे ये बाहर, तो वीडिंग जैसी चीजें भी ये लोग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है एन अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करा जाता था, ठीक है। तो मेनली दो सीजनल साइकिल्स होते थे, मतलब दो साइकिल्स होते हैं फार्मिंग के हमारे कंट्री में, ठीक है। एक होता है खारिफ और एक होता है राबी। खारिफ मतलब ऑटम सीजन और राबी मतलब स्प्रिंग सीजन का जो पूरा साइकिल होता है फार्मिंग का। तो इन दो सीजन्स में या इन दो साइकिल्स में खेती करी जाती थी हमारे इंडिया में, आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जो फार्मर्स होते हैं वो पूरे साल में कम से कम दो टाइप के क्रॉप्स को तो ग्रो करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दो फसल, ठीक है। तो मिनिमम टू क्रॉप्स अ ईयर ये तो हर फार्मर करते ही थे। अगर कोई ऐसे फार्मर थे जिन्हें लगता था कि मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी आता है, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से खेती हो रही है, तो वो कई बार दो की जगह पूरे साल में तीन टाइप के क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे। इसी के चलते इस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज थे क्रॉप्स के, ठीक है। जैसे अगर आप लोग आगरा जाओगे तो आपको वहां पर 39 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स दिख जाते,
ठीक है, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा वैरायटी थी, बंगाल में राइस की ही 50 वैरायटीज थी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते थे। ओके चलो, तो ये तो हो गया ऐसे क्रॉप्स जो कि हम लोग खा सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे आज के टाइम पे हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना कैश क्रॉप का, कैश क्रॉप मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रबर के प्लांटेशन को करते हैं, है ना। अब रबर का प्लांटेशन हम लोग खाने के लिए तो यूज नहीं कर सकते, ये होता है कैश क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप जो हम ये सोचकर ग्रो कर रहे हैं कि जब हम इसे मार्केट में बेचेंगे तो खूब सारा पैसा मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट इस टाइम पीरियड में भी था, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते थे, जिन्स ए कमिल कहते थे, ठीक है, मैं बिल्कुल इसे गलत प्रनंस कर रही हूँ, पर हाँ तुम लोग स्पेलिंग का ध्यान रखना। इसका मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स, ठीक है, परफेक्ट क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनसे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। इस कैटेगरी में आ जाता था इनका कॉटन, ठीक है, कॉटन का ये लोग कल्टीवेशन करते थे, शुगर केन को भी ये लोग ग्रो करते थे। कॉटन हमने देखा है कि डेक्कन प्लेटू में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता था। अगर शुगर की मैं बात करूं तो बंगाल हमारा शुगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इस टाइम के अराउंड हमने ये भी देखा कि नए नए क्रॉप्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे मेज, ठीक है, मेज का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सडनली बढ़ जाता है, ठीक है। इसी टाइम के अराउंड टोमेटोस, पोटैटो, चिली टाइप के वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ग्रो होने लग जाता है, ठीक है, एंड कुछ फ्रूट्स जैसे कि पाइन एप्पल एंड पपाया, इनका भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये पहले हमारे इंडिया में नहीं थे, धीरे धीरे ये न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहे थे। यहां तक क्लियर है सबको? ट्यूबा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाँ ज्योग्राफी में पढ़ रखा है तुमने ये सब अंदेशा। अच्छा ट्यूबा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइमिंग चेंज कर पाऊं, पर हाँ अभी जिनको टाइमिंग की दिक्कत आ रही है मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, कोई बात नहीं, जब भी तुम लोग फ्री हो जाते हो तब रिकॉर्डिंग देख लिया करो। मैम मैं रश्मि, पहचाना? हाँ रश्मि, आप क्लास 10th में थे, अब 11th में आ गए होगे, है ना। कैसे हो रश्मि आप? ओके वंशिका, थैंक यू सो मच। ओके तो आज मैम को मेरी याद भी नहीं आई। हाँ, यही तो मेरी प्रायोरिटी है, 12th क्लास के बच्चे पास हो ना हो, वो टॉप करे ना करे, मुझे क्लास में आते ही पीयूष को याद कर लेना था। क्या यार गलती कर दी आज तो मैंने। पीयूष अगली बार मैं क्लास स्टार्ट ही ऐसे करूंगी कि पीयूष कहाँ है। ओके चलो ठीक है, मानसी थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द विलेज कम्युनिटी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि विलेज का मतलब सिर्फ फार्मर्स नहीं होते, है ना, फार्मर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है विलेज का, पर जब हम गांव की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो विलेज में मेनली तीन कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब तीन कम्युनिटीज को हम लोग कहते हैं कि ये विलेज का पार्ट है। एक तो हो गए हमारे कल्टिवेटर्स यानी फार्मर्स, और एक हमारे गांव में एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, पंचायत, ठीक है। थर्ड हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं गांव के, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन मतलब जो विलेज के हेड होते हैं, लीडर होते हैं, जिनको मंडल कहा जाता है या मुकद्दम भी कहा जाता है। तो ये तीन कम्युनिटीज या ये तीन कंपोनेंट्स एक गांव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट, ठीक है। तो इसमें तुम्हें बताया जा रहा है, हमने पिछले चैप्टर्स में कास्ट सिस्टम को पढ़ा ना, इसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि फार्मिंग में भी या फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी में भी भेदभाव होता था। तो ऐसा नहीं था कि सारे फार्मर्स आपस में एक दूसरे को बराबर मानते थे, फार्मर्स में भी आपस में भेदभाव होता था, ठीक है। तो कल्टीवेटर्स ना हेट्रोजिनस ग्रुप है, हेट्रोजिनस ग्रुप मतलब सब लोग इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड ये लोग आपस में भेदभाव भी करते हैं। अक्सर आप देखोगे कास्ट सिस्टम पावर्टी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऐसे फार्मर्स जिनको नीचा दिखाया जाता है, जिनसे बोला जाता है तुम लोअर कास्ट के हो, तुम फार्मिंग में एक लिमिटेड काम ही कर सकते हो, जाहिर सी बात है वो ज्यादा कमा नहीं पाएंगे और वो गरीब रह जाएंगे। आप इसे थोड़ा इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे हमने दलित्स के बारे में पढ़ा है ना, मॉडर्न इंडिया में जो दलित का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत गलत है, तो जो ट्रीटमेंट दलित को मिलती थी ना, उसी उसी तरीके की ट्रीटमेंट फार्मर्स भी आपस में कुछ लोगों को दिखाते थे। तो भेदभाव उस टाइम पर भी चलता था, मुस्लिम कम्युनिटी में भी चलता था, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्कैवेंजर्स होते थे, ठीक है, हलाल खोरान कहा जाता था इन्हें, इन्हें गांव के बाहर रखा जाता था, इन्हें गांव के अंदर आना अलाउ नहीं किया जाता था। सिमिलरली बिहार में
मलाजदास एक टर्म है, अगेन स्पेलिंग याद कर लेना, मुझे पूरा विश्वास है मैं ऐसे कुछ गलत तरीके से ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो टर्म होता है बिहार में, ठीक है, इन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट दी जाती थी। बेसिकली ये बोटमैन होते थे एंड इन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट दी जाती थी। तो उस टाइम पर भी तुम्हें याद रखना है कि भेदभाव होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता था, मैंने तुम्हें बताया कि ये जो भेदभाव है ये कहीं ना कहीं मनी के साथ एसोसिएटेड होता था। जिनको नीचा दिखाया जाता था सोसाइटी में वो जनरली पुअर रह जाते थे। पर इसी को ही हम उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो कोई कम्युनिटी है वो लोअर कास्ट की है एंड उस कम्युनिटी ने अचानक से खूब सारा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे वो अपने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके हायरार्की में ऊपर आने लग जाती थी, ठीक है। तो जैसे कुछ कास्ट ऐसे होते थे जैसे अहीर्स और गुज्जर्स, ठीक है, ये लोग हायरार्की में थोड़ा ऊपर आ गए, सोसाइटी में थोड़ा ऊपर आ गए, क्योंकि ये लोग कैटल रेयरिंग करके खूब सारा पैसा कमाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको नीचा दिखाया जाता था, अगर उनके हाथ में खूब सारा पैसा आ जाता था तो वो उन्हें थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत एंड हेडमैन, ठीक है। उस टाइम पे पंचायत कैसा होता था ये समझाया जा रहा है। तो इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है, डरना नहीं। जैसे आज के टाइम पे होता है ना पंचायत का सिस्टम, वैसे ही टाइप के सिस्टम की बात करी जा रही है। तो विलेजेस उस टाइम पर क्या होते थे, मिक्स्ड कास्ट विलेजेस हुआ करते थे, ठीक है। एंड उन विलेजेस में क्या होता था, एक ग्रुप बनाया जाता था जिसको पंचायत कहा जाता था, ठीक है। जनरली क्या होता था, विलेज के जो एल्डर्स होते थे, ठीक है, या जो भी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहते थे वो लोग साथ में मिलके एक ग्रुप बनाते थे जिसको पंचायत कहा जाता था, ठीक है। अब अगर पंचायत ने कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन गांव के सारे लोगों को मानना पड़ता था, ठीक है, ये एक चीज होती थी। एंड जो पंचायत के हेड होते थे उनको मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमें कुछ ऐसे प्रूफ मिले कि उस टाइम पर क्या होता था, जो गांव के एल्डर्स होते थे वो चुनते थे कि हेडमैन कौन बनेगा, मतलब पंचायत का हेड कौन बनेगा, और गांव में जमींदार से भी पूछा जाता था कि बताओ आपको किसे हेडमैन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि जो हेडमैन होते थे उनका पोजीशन परमानेंट होता था। अगर मान लो कल को उन्होंने कुछ गलत कर लिया या फिर गांव के एल्डर्स बोलते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो ऐसे में लोग हेडमैन को हटा भी सकते थे, ठीक है। हेडमैन का फंक्शन क्या होता था, ये गांव को सुपरवाइज करते थे, ठीक है, विलेज अकाउंट्स पैसों से रिलेटेड चीजों के ऊपर नजर रखते थे। इसमें विलेज के जो अकाउंटेंट होते थे जिनको जिनको पटवारी बोला जाता है, तो अकाउंटेंट भी हेडमैन की मदद करते थे। नेक्स्ट पंचायत को काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। ये फंड्स इन्हें कहाँ से मिलते थे, गांव के लोगों से। तो सारे जो विलेज के लोग हैं इनसे ये पैसा इकट्ठा करते थे, ये पंचायत का फंड होता था। अब पंचायत इन पैसों को कहाँ कहाँ लगाता था, पहले तो देखो हर एक गांव को ना टैक्स देना पड़ता था राजा को, तो इन पैसों में से कुछ पैसा तो टैक्स में चला जाता था, ठीक है। और क्या करते थे ये लोग, मान लो किसी दिन गांव में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या कोई दिक्कत आ गई तो फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस टाइप के सिचुएशन में भी ये लोग इन फंड्स का यूज करते थे। मान लो इन्हें इरिगेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, वेल बनाना है, कैनाल बनाना है, तो भी ये लोग इन पैसों को यूज करते थे। नेक्स्ट पंचायत के लोग एक और चीज देखते थे कि इनके सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो कोई ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो इनका एक इंपॉर्टेंट काम तो ये होता था, ये देखना कि कोई कास्ट सिस्टम के खिलाफ ना जाए। अब मान लो कोई कास्ट सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने भाग के शादी कर ली, किसी ने इंटर कास्ट मैरिज कर ली, उस टाइम पर तो बहुत बड़ी बात होती थी ये। तो ऐसे में पंचायत के लोग उस पर्सन को पनिश करते थे, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में अगर कुछ बहुत ही खतरनाक उन्हें पनिशमेंट देना होता था तो ये लोग क्या करते थे, लोगों को गांव के बाहर कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट एक और पंचायत होता था, गांव के अंदर ही एक और छोटा सा पंचायत होता था जिसको हम जाति पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो हर एक जाति की अलग अलग जाति पंचायत भी होती थी एंड जाति पंचायत के लोग अपने जाति से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जैसे आपस में अगर लोग लड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई हो रही है, शादी के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को भी ये लोग आपस में सुलझाते थे, ठीक है। अक्सर क्या होता था, जाति पंचायत के लोग जो कुछ भी कहते थे वही विलेज पंचायत के लोग भी मान जाते थे। हमने ये भी देखा है कि पंचायत में ना ऐसा भी होता था
कि लोअर कास्ट के लोग जाकर कंप्लेन करते थे कि अपर कास्ट के लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनसे अपर कास्ट के लोगों ने कुछ काम निकलवाया, ठीक है, उनसे कुछ मान लो एग्रीकल्चर लेबर करवा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बदले में उन्हें पैसे मिलने चाहिए। कई बार उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तो ऐसे में ये लोग पंचायत में जाकर बोलते थे कि हमें जो पैसे मिलने चाहिए वो अभी तक इन लोगों ने नहीं दिए हैं। ऐसे केस में पंचायत इन लोगों को सपोर्ट करती थी और बोलती थी कि ये गलत है, इनको पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पंचायत का सिस्टम। आया सबको समझ? बताओ कन्हैया माधव हेलो। ठीक है, सबको क्लियर है? इजी। अन्वेषा क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। मानसी को भी क्लियर है, प्रियांशी को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा स्नेहा हो आप? ठीक है स्नेहा, हाय। वंशिका, दीपांशी, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। विलेज आर्टिसंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विलेज आर्टिसंस मतलब जो क्राफ्टमैन होते थे उनके बारे में बात करते हैं। हमारे अंदाजे से उस टाइम पर गांव में 25% जो लोग होते थे वो आर्टिसंस होते थे। ठीक है, तो आर्टिसंस मतलब क्राफ्ट पीपल। ठीक है, मतलब मान लो अगर वो पॉटरी कर रहे हैं या कोई कपड़ा बना रहे हैं तो इन्हें आर्टिसंस के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग फर्क नहीं कर पाते थे कि कौन फार्मर है और कौन आर्टिसन है। इसका क्या कारण है? कई बार मान लो एक फार्मर है, बढ़िया खेती कर रहे हैं वो, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना थोड़े और पैसे कमा सकता हूँ, तो वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो पॉटरी करने लग जाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। तो ऐसे में वो इंसान फार्मर भी है पर आर्टिसन भी है। तो कभी कभी हमारे लिए फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि कौन फार्मर है और कौन आर्टिसन है, क्योंकि एक ही इंसान दोनों काम कर रहे होते थे। आर्टिसन के काम में जनरली क्या आ जाता है? कपड़ों को डाई करना, कपड़ों के ऊपर प्रिंट करना, ठीक है, पॉटरी का कुछ काम करना, एग्रीकल्चर के किसी टूल को रिपेयर करना, बनाना, ये सब आर्टिसंस में आ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ्स जो मेटल का काम करते हैं, कारपेंटर, बार्बर, ठीक है, जो लोग गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोने से कुछ बना रहे होते हैं, ये सब हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, आर्टिसंस के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये लोग जब गांव में ये काम करते हैं तो इन्हें बदले में कुछ पैसे वगैरह भी मिलते होंगे, तो अक्सर क्या होता था, इनको हार्वेस्ट दे दिया जाता था। मतलब मान लो किसी आर्टिसन से तुमने कुछ काम निकलवाया तो तुम बदले में उसे कोई क्रॉप दे दोगे, तुमने उसे राइस या वीट पकड़ा दिया, अक्सर ऐसा होता था। ठीक है, कई बार इन लोगों को जमीन भी पकड़ा दी जाती थी, अगर ये मतलब बहुत अच्छे से काम करते थे तो इन्हें जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था, एंड ये जमीन का हिस्सा आगे जाकर ये अपने बच्चों को दे दिया करते थे। तो इस तरीके से भी इनका सिस्टम चलता था कभी कभी। ठीक है, जैसे कि हमने ये बंगाल में देखा है, बंगाल के सिस्टम में क्या होता था, इन्होंने ना डिसाइड कर रखा था कि हम अपने आर्टिसंस को इतना पैसा देंगे इतने काम के लिए। तो इस टाइप का सिस्टम जहां पे डिसाइड कर लिया जाता है आर्टिसंस को हम कुछ कुछ पैसे देंगे कुछ कुछ काम के लिए, इस टाइप के सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो 16th और 17th सेंचुरी में ये नाम, ये टर्म ज्यादा यूज नहीं करा जाता था, पर हाँ ऐसा सिस्टम इन लोगों के पास बिल्कुल था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ लिटिल रिपब्लिक। इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अक्सर गांव को बोलते थे कि गांव तो क्या है, छोटा सा रिपब्लिक है। ठीक है, इंडिया में जो गांव का सिस्टम होता है वो तो एक छोटे से रिपब्लिक की तरह है, पर याद रखना यहाँ पर ये मतलब नहीं है रिपब्लिक का कि गांव में जितने लोग थे सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे क्या बताया जा रहा है कि जो मुगल लोग हैं ये लोग गांव से रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, अक्सर क्या होता था रेवेन्यू कैश में ही लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी तुम्हें कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है विमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी में विमेन का क्या रोल होता था, औरतों का क्या रोल होता था, ये थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। जाहिर सी बात है उस टाइम पर घर पे पैसा अगर तुम्हें लाना है तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा खेती करनी पड़ेगी, है ना, तो घर के जितने मेंबर्स होते थे वो सब लोग दिल से मिलकर खेती करते थे। तो इसका मतलब ये है कि विमेन भी इक्वली उतना काम करती थी जितना मेन करते थे। तो विमेन हम लोग देखते हैं कि टेलिंग, प्लोइंग, इन सारी चीजों में मदद किया करती थी। नेक्स्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन को एकदम बराबर ट्रीटमेंट मिलती थी। कुछ कुछ केसेस में विमेन को, क्योंकि विमेन के बायोलॉजिकल फंक्शंस अलग होते हैं, तो विमेन को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करा जाता था। जैसे जब विमेन मेंस्ट्रुएट करती थी
उस टाइम पर विमेन से बोला जाता था कि तुम एग्रीकल्चर टूल्स को नहीं छू सकते, तुम लोग पॉटर के व्हील को नहीं छू सकते, एंड कुछ पौधों को छूने से मना कर दिया जाता था, जैसे पान का जो पौधा होता था उसे छूने से मना कर दिया जाता था। तो जब विमेन मेंस्ट्रुएट कर रही होती थी तब उनके ऊपर कुछ कुछ ऐसे रोक टोक लगा दिए जाते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा विमेन से सारा काम कराया जाता था मोस्टली। नेक्स्ट, विमेन चाइल्ड बेयरर्स भी होती हैं, है ना। विमेन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे चिल्ड्रन आ सकते हैं फैमिली में, एंड उस टाइम पे पता है तुम्हें ये चीज समझनी है, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा लोग खेत में काम करने के लिए, है ना। तो इसीलिए विमेन की इंपॉर्टेंस इस मायने में भी थी कि अगर हम लोग शादी करेंगे तो घर में बहुत सारे बच्चे आएंगे, फिर हम लोग और अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम पे विमेन बहुत ज्यादा सफर करती थी, विमेन की हाई मोर्टालिटी रेट्स होती थी, ठीक है। बहुत यंग एज में विमेन की डेथ हो जाती थी, क्यों, क्योंकि ये दिन रात काम करते थे, ठीक है, बहुत सारे इनके बच्चे होते थे, तो बहुत सारी विमेन माल न्यूट्रिशन के वजह से, ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता था तो माल न्यूट्रिशन के वजह से मर जाते थे, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी के वजह से मर जाते थे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मर जाते थे। तो एक ऐसा टाइम आया सोसाइटी में जब औरतों की कमी पड़ने लग गई, क्योंकि जितनी औरतें थी उनकी तो डेथ हो रही थी। तो एक ऐसा टाइम आया सोसाइटी में जब विमेन की कमी पड़ने लग गई, एंड इसके चलते थोड़े थोड़े ट्रेडिशंस चेंज हुए गांव में। जैसे नॉर्मली क्या होता है, विमेन की शादी होती है तो विमेन डाउरी लेकर जाती है, दहेज लेकर जाती है, पर ये एक ऐसा टाइम था जब औरतों की कमी पड़ रही थी तो उल्टा होता था। शादी करने के लिए लड़के लड़कियों को खूब सारा पैसा देते थे और उन्हें मनाते थे कि यार तुम आके शादी कर लो। इस टाइम पर अगर कोई विडो हो जाती थी या अगर किसी ने डिवोर्स ले लिया है तो उन लड़कियों की, उन औरतों की रीमैरिज भी करा दी जाती थी, ठीक है। पर फिर भी इस टाइम की सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, विमेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने इस टाइप के रूल बना रखे थे कि अगर शादी में कोई विमेन चीट करती हुई पकड़ी गई तो उन्हें बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ऐसा भी देखा है राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में कुछ रिकॉर्ड्स हैं जहां पे औरतों ने जाकर केस करा है कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो चीट कर रहे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं। पर इस टाइप के केस को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। केस को सीरियसली तब लिया जाता था जब औरतें ये बोलती थी कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है, पैसा नहीं दे रहे, इन टाइप के केसेस को फिर भी थोड़ा सीरियसली ले लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, विमेन के पास राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी भी था, ठीक है। विमेन के पास, विमेन उस टाइम पर जमीन को खरीदती और बेचती भी थी, तो ये भी एक बढ़िया चीज है, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने विमेन के रोल के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ कन्हैया, हेलो, चलो क्लियर है सबको यहां तक। ये हमने विमेन के रोल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड ट्राइब। अभी तक गांव के अंदर अंदर की कहानी पढ़ी, गांव के अलावा उस टाइम पे खूब सारे फॉरेस्ट भी होते थे, तो फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर निकिता, भूमि, वंशिका, हर्ष, मानसी, सबको क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे घने जंगल होते थे, ठीक है, घने फॉरेस्ट होते थे, ब्रैकेट में उन्होंने लिख भी रखा है जंगल, ठीक है। स्क्रब लैंड होते थे जिसको खरबंदी कहा जाता था, तो इस टाइप के एरिया में भी, डेंस फॉरेस्ट में भी लोग रहते थे। वैसे तो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी पॉपुलेशन थी, या फिर ऐसे ऐसे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पूरे इंडिया में कितना फॉरेस्ट था, पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम इतना कह सकते हैं कि कुछ अराउंड 40% था ऑन एन एवरेज, ठीक है। आज के टाइम पे जब हम ये शब्द यूज करते हैं ना, मान लो आप किसी को जंगली कह रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है नॉर्मली, कि वो इंसान सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा अजीब तरीके से रहता है, इंसानों की तरह नहीं रहता। पर उस टाइम पर जब ये शब्द यूज करा जाता था जंगली, तो इसका ये मतलब नहीं होता था। जंगली का मतलब होता था एक ऐसा इंसान जो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, जो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है उस इंसान को जंगली कहा जाता था। मतलब ऐसे लोग जो हंटिंग करते हैं फॉरेस्ट में, जो गैदरिंग करते हैं, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, इस टाइप के लोगों को जंगली कहा जाता था। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे एक कम्युनिटी है हमारी भिल्स, इन्होंने ना डिसाइड कर रखा था कि सीजन के हिसाब से हम फॉरेस्ट में काम करेंगे। जैसे ये लोग क्या करते थे, समर में मेनली फिशिंग करते थे, मॉनसून में मेनली खेती करते थे, ऑटम और विंटर में ये लोग मेनली हंटिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बिहाइंड विच द पीपल ऑफ पारगाना
बिकम स्टबर्नली रेबेलियस एंड पे नो टैक्स, ये कोट है जो कि उस टाइम पे बाबर ने कहा था। ठीक है, तो बाबर का क्या मानना था फॉरेस्ट को लेकर, हमारे जो राजा थे बाबर अक्सर कहते थे कि फॉरेस्ट ना बहुत बढ़िया डिफेंस है। ठीक है, उस टाइम पर अगर अटैक वगैरह होता था तो यही होता था, लोग जाकर जंगल में छुप जाते थे। तो बाबर ने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया डिफेंस है, अक्सर ऐसे लोग जो बहुत रेबेलियस होते हैं, जो रूल्स नहीं मानना चाहते, जो टैक्स पे करना नहीं चाहते, वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाकर छुप जाते हैं, ऐसा बाबर ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इन रोड्स इंटू फॉरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉरेस्ट के बारे में ही तुम्हें इन डिटेल बताया जा रहा है। जो फॉरेस्ट के लोग होते थे ना, इनसे भी टैक्स लिया जाता था, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे इनसे भी टैक्स लिया जाता था। अक्सर टैक्स में इनसे पता है किस टाइप की चीजें मांगी जाती थी, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी इनसे बोल दिया जाता था कि भाई तुम लोग एलिफेंट की सप्लाई कर दो, क्योंकि आर्मी में जरूरत होती थी एलिफेंट्स की, तो ये लोग इनसे क्या करते थे, एलिफेंट्स की सप्लाई करवा लेते थे। तो इस टाइप से ये लोग क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे। नेक्स्ट तुम्हें बताया जा रहा है कि हंटिंग इस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था, एंड हंटिंग को ना जो हमारे पेंटर्स हैं, हंटिंग हंटिंग के सीन को उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रैंड तरीके से भी डिपिक्ट कर रखा है। नेक्स्ट, इस टाइम के अराउंड कमर्शियल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया था, हमने पहले ही पढ़ा कि कैश क्रॉप्स तो ग्रो कर ही जाते थे, तो हनी, बीज वैक्स, गम, इन सारी चीजों का ट्रेड होता था, तो फॉरेस्ट में इन सारे प्लांट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी 17 सेंचुरी तक आते आते। कई बार ऐसा भी होता था कि एलिफेंट्स को लोग पकड़ के बेचते थे, उनका ट्रेड करते थे, तो ये सारी चीजें चलती थी। पंजाब में कुछ ट्राइब्स थे लोहानीज नाम के, ये लोग भी ट्रेड बहुत ज्यादा करते थे, ये लोग इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा करते थे। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइब्स होते थे ना, उनमें भी आपस में पंचायत टाइप का एक सिस्टम होता था, एंड उनके भी कम्युनिटी के एक हेड हुआ करते थे। ओके, उन्हें हम ट्राइबल चीफ कहते हैं। ट्राइबल चीफ आगे जाकर खूब ज्यादा पावरफुल बन जाते थे, कुछ कुछ ट्राइबल चीफ आगे जाकर जमींदार बन जाते थे, कभी कभी ट्राइबल चीफ इतने पावरफुल बन जाते थे कि वो राजा बन जाते थे। ठीक है, अगर वो राजा बनते थे तो क्या होता था, ये अपनी खुद की आर्मी बनाते थे जिसमें ये बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह को भी यूज करते थे। अक्सर इनके आर्मी में 6,000 कैवलरी, कैवलरी मतलब ऐसे सोल्जर्स जो हॉर्स को यूज करते हैं, 7,000 इन्फेंट्री भी होते थे, इन्फेंट्री मतलब ऐसे सोल्जर्स जो एनिमल को यूज नहीं करते, पैदल चलते हैं, तो इतना इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ होता था। अगर हम लोग अहोम किंगडम की बात करें, तो इस किंगडम में एक ऐसा रूल निकाल दिया गया था कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइबल लोगों का कल्चर भी 17 सेंचुरी में धीरे धीरे बदलने लग जाता है। कल के क्लास में हमने सूफीज के बारे में पढ़ा था ना, तो सूफी लोग ना इनको भी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे इनको इस्लाम के बारे में भी पता लगने लग जाता है। तो ये अभी हमने सारा ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, अब हम जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, इजी लग रहा है सबको? हाँ, अन्वेषा क्लियर है, बहुत बढ़िया। एस्पायर टू इंस्पायर, आ 452 आउट ऑफ 500 आए हैं आपके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब सीयूईटी में मचाना है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आस्था, अन्वेषा, ड्रीमी और वंशिका, सबको क्रिस्टल क्लियर है। दीपांकर, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम लो। ह्यूमैनिटीज लोगे तो हल्का सा आपको एडवांटेज रहेगा आगे जाकर, पर हाँ ओवरऑल ऐसा कोई रूल नहीं है, जो स्ट्रीम अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, जमींदार के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो जो जमींदार थे, जमींदार के बारे में तुमने पढ़ भी रखा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो जमींदार को सोसाइटी में थोड़ा सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, एंड ये अक्सर बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। जमींदार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की पर्सनल जमीन होती है। ठीक है, एंड इनके पर्सनल लैंड के लिए एक टर्म यूज करा जाता है, मिल्कियत। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब अपने पर्सनल जमीन को लेकर ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद तो उस पे खेती नहीं करते थे, पर अगर ये किसी और फार्मर को देना चाहे खेती कराने के लिए, रेंट करना चाहे, जो मर्जी कर सकते थे, सेल करना चाहे, अपनी मर्जी से अपने जमीन पर कुछ भी कर सकते थे।
ठीक है। नेक्स्ट, जमींदार को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता था? क्योंकि जमींदार ना रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो राजा के लिए ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। जमींदार अक्सर इतने पावरफुल होते थे कि इनके पास खुद की मिलिट्री होती थी, जमींदार के पास खुद के किले होते थे, खुद के फोर्ट्स होते थे, बढ़िया आर्मी होती थी। इस वजह से जमींदार को सोसाइटी में बहुत ऊपर रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ऐसा देख रखा है कि जमींदार अक्सर क्या करते थे, जब इनके हाथ में पावर आ जाती थी तो ये किसी एक एरिया के ऊपर कब्जा करके वहां के लोगों को डराते धमकाते थे, उनसे रेंट लेते थे, ठीक है। तो एक तरीका ये होता था। नेक्स्ट, ये लोग क्या करते थे, कभी कभी ये लोग किसी एरिया में जाकर सेटल हो जाते थे, और मतलब अचानक से कब्जा नहीं करते थे, पर टाइम के साथ धीरे धीरे उस एरिया को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते थे। पर दो चीजों का इसमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारे जमींदार ही एकदम खराब थे। हमने हिस्ट्री में दो चीजें देखी जिससे हमें आइडिया लगा कि लोग, कुछ जमींदार अच्छे भी थे, ठीक है, लोग शायद इतनी नफरत नहीं करते थे जमींदार से। क्या थी वो दो चीजें? जितने भी हमारे भक्ति सेंट्स है ना, तो भक्ति सेंट्स ने ना सोसाइटी में बहुत सारी चीजों की बुराइयां निकाली, जैसे कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों के खिलाफ बोला, पर भक्ति सेंट्स ने कभी जमींदार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो इस वजह से हमें लगता है कि शायद कुछ एरिया में जमींदार इतना भी लोगों को परेशान नहीं करते होंगे। सेकेंड, एक और फैक्टर है इसमें, जब भी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल अपराइजिंग हुई है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई रिवोल्ट हुआ है, अपराइजिंग हुई है, तब हमने देखा है कि फार्मर्स जमींदार को सपोर्ट करते हैं, और अक्सर ये लोग साथ में मिलके राजा के खिलाफ लड़ते थे। तो हो सकता है कि जमींदार उतना ज्यादा भी लोगों को शायद परेशान नहीं करते थे कुछ एरियाज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। उस टाइम पे रेवेन्यू टैक्स कैसे कलेक्ट करा जाता था ये तुम्हें समझाया जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर दीवान होते थे, ठीक है, ये एक ऑफिसर होते थे जिनका काम होता था साम्राज्य में रेवेन्यू रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड चीजों को संभालना। तो ये क्या करते थे दीवान? मान लो कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक गांव है, तो सबसे पहले तो ये इस गांव को एसेस करेंगे। एसेस मतलब उस गांव में वो थोड़ा रिसर्च करेंगे कि इस गांव में कितनी खेती होती है, कितना प्रोडक्शन होता है। सारा एसेस करने के बाद वो दिमाग में सोचेंगे कि इतना टैक्स इस गांव से मिल जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड काम इनका क्या होता था? कलेक्शन। पहले ये एसेस करते थे कि भाई इस गांव से मुझे इतना टैक्स चाहिए। सेकेंड काम इनका क्या होता था? उस टैक्स को लोगों से जाकर कलेक्ट करना। अब टैक्स कलेक्ट करते टाइम भी ना दो चीजें होती थी, एक होता था जमा, जमा मतलब वो अमाउंट जो कि तुम्हें लग रहा है कि एक गांव से मिल जाना चाहिए, और दूसरी चीज होती है हासिल, हासिल मतलब वो अमाउंट जो कि तुम्हें गांव से मिला। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक गांव है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस गांव से 100 रुपए का टैक्स लेना है, ठीक है, पर जब मैं यहाँ कलेक्ट करने गई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे टैक्स नहीं दिया, मुझे सिर्फ 70 रुपीज का टैक्स यहाँ से मिला। तो 100 मेरा जमा है, 100 मुझे उम्मीद है कि इतना टैक्स मुझे मिलेगा, पर मुझे मिल क्या रहा है? 70। तो 70 मेरा हासिल हुआ, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते थे टैक्स कलेक्शन में, ओके। 1665 में औरंगजेब ने, हमने देखा औरंगजेब ने अपने ऑफिसर्स से बोल रखा था कि तुम एक प्रॉपर रिकॉर्ड, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो कि तुम टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हो। तो इन रिकॉर्ड्स में हमें क्लियरली पता लगता है कि ये लोग जमीन को मेजर कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं और टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे राजाओं ने उस टाइम पर करा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्लो ऑफ सिल्वर, ठीक है, द फ्लो ऑफ सिल्वर। इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड तक आते आते वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में स्ट्रॉन्ग किंगडम्स सेटल हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मुगल साम्राज्य चल रहा था, चाइना में मिंग डायनेस्टी चल रही थी, ईरान में सफाविद लोग थे, टर्की में ओटोमेन एम्पायर चल रहा था, ठीक है। तो ये सब मतलब पॉलिटिकली स्टेबल साम्राज्य थे। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई ना, तो ये सारे साम्राज्य आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग भी करते थे, इन लोगों से एकदम प्रॉपर बैलेंस तरीके से ट्रेड होती थी। इस टाइम पर जब ट्रेड स्टार्ट हुई ना, तो इंडिया में सिल्वर बहुत ज्यादा आने लग गया। ये लोग हमसे सामान खरीदते थे, बदले में ये लोग हमें सिल्वर बहुत ज्यादा देते थे, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया में नेचुरली सिल्वर के रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। नेचुरली हमें इंडिया में सिल्वर ज्यादा नहीं मिलता, तो जब बाहर के लोगों से हमें सिल्वर मिल रहा था तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा था। उस टाइम पर हमारे इंडिया में एक इटालियन ट्रैवलर थे, जियोवानी करेरी, ठीक है, ये इंडिया में आए थे 1690 में, एंड इन्होंने इन डिटेल लिखा कि इंडिया में उस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेड होती थी एंड इंडिया में काफी सारा सिल्वर आया करता था।
ठीक है, तो ये हमारे ट्रेड के बारे में कुछ कुछ इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईने अकबरी ऑफ अबुल फाजल अलामी। ठीक है, तो ऐने अकबरी के बारे में इन डिटेल तुम्हें बताया जा रहा है। तो अकबर ने ना उस टाइम पर काफी सारे बुक्स लिखवाए थे, ठीक है, एंड ऐने अकबरी पता है अकबरनामा नाम की एक बुक का पार्ट है। तो बेसिकली अकबरनामा जो बुक है इसके तीन हिस्से हैं, ठीक है। अकबरनामा के अंदर तीन बुक्स आ जाते हैं, एक तो ऐने अकबरी है, बाकी जो पहले दो और बुक्स हैं उनमें अकबर की हिस्ट्री को थोड़ा बता रखा है। जैसे ऐने अकबरी में तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस है, बाकी जो दो बुक्स हैं उसमें अकबर की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस करा गया। अब ये जो ऐने अकबरी है इसमें भी पांच बुक्स हैं, इसके भी पांच सेगमेंट्स हैं। जो पहला बुक है उसे हम कहते हैं मंजिल आबादी, ठीक है। तो इसमें राजा के हाउस होल्ड के बारे में, राजा के हाउस होल्ड के मेंटेनेंस के बारे में लिखा है। जो दूसरी बुक है उसे हम कहते हैं सिपा आबादी, ठीक है, तो इसमें मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। थर्ड जो बुक है ये है मुल्क आबादी, इसमें क्या है रेवेन्यू के बारे में ज्यादा लिखा है, टैक्सेस के बारे में ज्यादा लिखा है। एंड इसी बुक में ना एट कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब इसी बुक के अंदर आठ छोटे छोटे सेगमेंट्स की बात होती है। पहला सेगमेंट क्या है महल, ठीक है, रेवेन्यू में इन्होंने आठ सेगमेंट बना रखे हैं। एक है महल, दूसरा है किला यानी फोर्ट, तीसरा है अर्जी यानी मेजर्ड लैंड, ऐसा जमीन जिसको मेजर कर लिया है, चौथा है कैश से जो रेवेन्यू मिल रहा है डायरेक्ट कैश जहां से मिल रहा है, पांचवा है चैरिटी, ठीक है, इन्हें चैरिटी के थ्रू कितना रेवेन्यू मिल रहा है, चौथा है जमींदार, एंड सातवां और आठवां जो सेगमेंट है वो जमींदार में ही अलग अलग कास्ट के ऊपर है। ओके, चौथे एंड पांचवें बुक की अगर हम बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ बुक जो है वो रिलीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, रिलीजन और लिटरेचर के ऊपर मेन फोकस है। चौथे और फिफ्थ बुक में अकबर के भी कुछ कुछ सेइंग्स के बारे में लिखा है, अकबर जो चीजें बोलते थे वो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐने अकबरी में हमने देखा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है ना, ऑफिस टर्म्स बहुत ज्यादा हैं। उस टाइम पे ऑफिशियल चीजें कैसी होती थी वो सारी चीजें ज्यादा हैं। पर ऐसा नहीं मानना कि ये जो बुक है इसमें तो सिर्फ क्या है ऑफिशियल पेपर्स को साथ में लगा दिया, बहुत सारी रिसीप्ट्स को लगा दिया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को लगा दिया, ऐसा नहीं है। ऐने अकबरी से तुम और भी अच्छे तरीके से अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाओगे। नेक्स्ट, अब ये जो किताब है ये देखा जाए तो परफेक्ट भी नहीं है, बहुत सारी कमियां भी हैं इस बुक में। तो जब हमारे हिस्टोरियंस इस बुक को पढ़ रहे थे तो हमारे हिस्टोरियंस ने देखा कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो हमारे अंदाजे से क्या था, अबुल फैजल ने क्या करा होगा, अपने ही किसी असिस्टेंट से बोल दिया होगा कि इसे ऐड करो या इसका टोटल करो, ऐसा कुछ। एंड लोगों ने कुछ कुछ गलतियां कर रखी हैं, अब बहुत भारी भरकम गलतियां भी नहीं कर रखी, ठीक है, पर हाँ थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रखी हैं। मेरे टाइप के कुछ लोग होंगे जो अजीब सी मैथ से कुछ ऐड वैड कर रहे होंगे, तो हाँ थोड़ी थोड़ी वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमें देखने को मिल जाती है। एक और दिक्कत जो कि हमें इस डॉक्यूमेंट से है वो ये है कि ऐसा भी नहीं है इन्होंने सारी चीजें इन डिटेल लिखी हैं। इन्होंने आगरा के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, ठीक है, आगरा के वहां पे कैसा सिस्टम था ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता चल गई, पर बाकी एरियाज के बारे में इन डिटेल इन्होंने नहीं लिखा। उस टाइम पर बाकी एरियाज में चीजों का दाम क्या होता था, लोगों की सैलरी क्या होती थी, ये सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं है। आगरा के बारे में बहुत कुछ है पर बाकी एरिया के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं लगता है। इसी के साथ तुम्हारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है। सो आई होप तुम लोगों को समझ आया ये सेशन, ये चैप्टर, ठीक है, हाँ ओके। तो एक और चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे एंड 6 बजे हम लोग एक और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तुम्हारी सेकेंड बुक फिनिश हो गई है, हम लोग थर्ड बुक को स्टार्ट करेंगे शाम को 6 बजे। सारे बच्चे एकदम टाइम से आ जाना, हम लोग प्रोबेबली कल से काफी सारे मैराथन करने वाले हैं क्योंकि बुक्स हमारी खत्म हो गई हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या पूरे चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करना, ये सारी चीजें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए तुम लोग शाम को 6 बजे एकदम टाइम से आ जाना, हम लोग एक और चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये सेशन हेल्पफुल लगा, अगर तुम्हें मजा आया ये चैप्टर पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड और भी चैप्टर्स और भी वीडियोस तुम्हें मिलती रहें। वीडियो को शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को बताओ कि यहाँ ह्यूमैनिटीज की भी तैयारी होती है, एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कॉमेंट सेक्शन। चलो तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, क्रिस्टल क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू।
अब हम लोग शाम को 6 बजे अपनी इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं, थर्ड बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 6 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।